हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में राज फैशन बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है लेंथ वाइज 4 फोल्ड में। तो सबसे पहले हम कुर्ती के निशान लगा लेते हैं। तो पहले लंबाई के निशान लगा लेते हैं। आर्म होल का निशान लगाया है 7 इंच पर, 14.5 इंच पर और 21 इंच पर मैंने हिप का निशान लगाया है। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे। शोल्डर लेंगे 6.5 इंच, शोल्डर का हाफ लिया है। अब यहाँ से लेंगे 6 इंच। ये 34 साइज का है तो 34 का 1/4 लेंगे और उसमें 0.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। वेस्ट का 1/4 लेंगे और 0.5 इंच लूजिंग लेंगे। हिप का भी 1/4 लेंगे और उसमें 0.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे। मैंने यहाँ से 9.5 इंच पर निशान लगाया था तो घेरे का भी हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को मिला लेंगे। कुर्ती की लंबाई मैं 41 ले रही हूँ। अब जो चेंज करने हैं हमारे यहाँ पर डिज़ाइनिंग आएंगी, देखिए लूप्स आएंगे इस तरीके से। तो ये जो कमर का निशान लगाया है इसके अंदर की तरफ जो हमने लूजिंग ऐड की थी उसमें से हम वही लूजिंग कम कर देंगे और जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है वो निशान रखेंगे। ये देखिए मैं निशान लगा लिया कमर से और हिप की तरफ। और अब हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। कटिंग में हमें बस यही चेंजेस करने थे। अब जो हमने अंदर की तरफ निशान लगाया था उससे 1 इंच निशान लगा लेंगे मार्जिन के लिए जो सिलाई में जाएगा, और इस निशान को भी मिला लेंगे और नीचे वाले निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब जो पहले निशान लगाया था उसको हम कट कर देंगे और जो अंदर वाला निशान लगाया था उसके हिसाब से हमें कुर्ती तैयार करनी है। शोल्डर आर्म होल की शेप देंगे, ये बैक आर्म होल की शेप दे रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की कटिंग ही होती है उसी तरीके से है, थोड़ा सा चेंज होना था वो मैंने बता दिया। ये 1/2 इंच पे शोल्डर डाउन कर लिया। नेक की कटिंग मैं बाद में करूँगी क्योंकि बुकरम पे बनाऊँगी। कुर्ती की कटिंग करेंगे तो मैं एक लेंथ में से फ्रंट और बैक दोनों बना रही हूँ, इसलिए पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अभी देखिए हमें कटिंग बड़ी ध्यान से करनी है। कट के निशान लगा लें नेक पे भी, शोल्डर पर फिटिंग की सिलाई के लिए, और बैक पार्ट को अलग कर देंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर लेंगे। अब जैसे सिंपल कुर्ती को सिलते हैं उसी तरीके से मैं सिल लूँगी और वेस्ट तक सिलाई लगा लूँगी। उससे पहले हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव लेंथ ले रही हूँ मैं 10 इंच। अब यहाँ से 3.5 पे हमने निशान लगाया शेप के लिए। 4 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है मैंने। बाजू की चौड़ाई के लिए जो कपड़ा लिया है मैंने वो 8 इंच में लिया है। अब यहाँ से 6.5 इंच पर निशान लगाया और स्लीव बॉटम 5.5 इंच लिया है मैंने और दोनों निशानों को मिला दिया है। स्लीव की शेप करने के लिए मैंने 3 इंच पर निशान लगाया और इस निशान को इस 6 इंच वाले निशान से मिला दिया और इसको हल्की सी कर्व शेप दे देंगे। तो इस तरीके से आप स्लीव की कटिंग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। लाइन के बाहर कपड़े स्लीव की कटिंग करेंगे और नोचेस लगा लेंगे। स्लीव को खोल के फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और जो शेप हल्की सी ठीक कर लेंगे।
अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। जो डिज़ाइनिंग है उसकी स्टिचिंग बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए मैंने साइड की सिलाई लगा ली है, वेस्ट तक जो निशान लगाया था हमने लूजिंग के अंदर तक का। अब जो एक इंच मार्जिन लिया था तो एक इंच मार्जिन, कुर्ती हमें सीधी रखनी है तो हम सीधी साइड से निशान लगाएंगे एक इंच का, और कुर्ती को एक बार फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारे दूसरी साइड भी निशान आ जाए इस तरीके से। तो हम हाथ से थोड़ा थपथपा लेंगे तो दूसरी साइड भी हमारा निशान आ जाएगा। अभी निशान को डार्क कर लेंगे। अब यहाँ से पौना इंच लेंगे। पौना इंच लेने के बाद एक एक इंच के गैप पर हम निशान लगाएंगे, जहाँ तक हमारे चाक ओपन है वहाँ तक। अब दूसरी साइड भी निशानों को ले आएंगे। अब इन्हें हम डार्क कर लेंगे। जैसे हमने पहले वाली कुर्ती में पहली साइड लगाएं उसी तरीके से बराबर तरीके से हमारे निशान आने चाहिए। ये हमारे दोनों साइड निशान लग गए। अब पट्टी लेंगे हम, उसकी चौड़ाई मैंने एक इंच ली है। ऐसी कई पट्टी लेंगे और दोनों साइड से बारीक बारीक फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे। कपड़े की किनारी अंदर चली गई है और अब किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे, बारीक बारीक पट्टी बनाएंगे। आप इसकी जगह डोरी का यूज़ भी कर सकते हैं लूप्स बनाने के लिए। ऐसी कई सारी पट्टी बना लेंगे और डेढ़ डेढ़ इंच के कट कर लेंगे। ये मैं एक के लिए दिखा रही हूँ, तो आपको थोड़ी ज़्यादा बनानी पड़ेगी दोनों साइड के लिए। निशान मैंने डार्क कर लिए। अब देखिए पट्टी को फोल्ड करेंगे और जो फोल्ड साइड है हम अपने लेफ्ट हैंड की साइड रखेंगे और जो ओपन साइड है वो राइट की तरफ रखेंगे। यानी कि जो लूप लगा रहे हैं हम खुली साइड है वो बाहर की तरफ रखेंगे। अब जो निशान है निशान के ऊपर हम रखते जाएंगे और अच्छी तरह पक्का करते जाएंगे, और जो हमने निशान लगाया उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमें चाक बनाने में भी आसानी हो। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगी। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो हम अपनी किस तरीके की अपलोड करें, नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, कुर्ती कटिंग, पजामे कटिंग या प्लाजो कटिंग या प्लाजो स्टिचिंग। अब एक तरफ हमारे लूप्स लग गए हैं, फुट को उठाएंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा देंगे फुल साइड। लेफ्ट की साइड है, ओपन साइड राइट की साइड है। ये देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और जो हमने एक इंच का निशान लगाया है इसी पर हमें सिलाई लगानी है, नहीं तो हमारी कुर्ती यहाँ से लूज़ हो जाएगी और डिज़ाइन का पता नहीं चलेगा। जो हमने एक इंच का निशान लगाया है आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो डिज़ाइन और भी अच्छा लगेगा। जैसे एक इंच लिया है तो एक इंच से सवा इंच डेढ़ इंच भी कर सकते हैं। अब ये दोनों तरफ हमारे लूप लग गए हैं। अब हम चाक की सिलाई लगाएंगे। ये मैं बारीक बारीक फोल्ड कर रही हूँ। अब कट तक हम डबल डबल फोल्ड करके आएंगे। अब ऊपर से तिरछा है इसलिए हमारा डबल फोल्ड नहीं होगा, डबल फोल्ड करेंगे तो झोल आ जाएगा। तो हम यहाँ तक डबल फोल्ड करेंगे जहाँ तक हमारा सीधे तरीके से हो रहा है, और फिर जो लूप लगाए थे लूप को हम बाहर की तरफ रखेंगे, और फिर एक पैर की सिलाई जैसे कि हमने चाक में फोल्ड किया था जितनी सिलाई का गैप लिया है उतना ही ऊपर तक रखेंगे जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब फुट को उठाएंगे, फैब्रिक को घुमा लेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। हमारे लूप अच्छी तरह पक्के हो गए हैं और अच्छे से फिक्स हो गए हैं।
ये कुछ डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए हमने बराबर तरीके से लगा लिए, जो भी धागे हैं उन्हें कट कर लेंगे। और दूसरी साइड भी मैंने इसी तरीके से लगा ली है। अब हम डोरी डालेंगे, आप चाहे तो मैचिंग की डोरी भी लगा सकते हैं। मैं रेडीमेड डोरी का यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने 1.25 मीटर की डोरी ली है। तो पहले जो आमने सामने वाले लूप हैं उनमें डाला है हमने, और फिर दूसरी साइड से एक लिया है, पिन की हेल्प से डाल रही हूँ मैं। और फिर दूसरी साइड से मैंने एक छोड़कर, अब एक एक छोड़कर हम इस तरीके से डोरी डालेंगे लूप के अंदर। और उसके बाद हम दूसरी को डोरी को डालेंगे पिन की हेल्प से, जो हमने पहले छोड़ा था उसमें हम डालेंगे। ये हमारी डोरी डल चुकी है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। बंद कर दिखा देती हूँ आपको। आप डोरी आप अपने अकॉर्डिंग लंबी भी कर सकते हैं, और आप मैचिंग के टसल या फिर लटकन भी लगा सकते हैं, फैब्रिक से बनी हुई या मार्केट से लेकर भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगती है साइड में लटकी हुई। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड में डोरी लगा ली है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब क्या करूँ, मुझको ख़त्म हो गई है।